सुप्रभात, मेरा नाम सुहाना दास है। मैं कक्षा चौथी ब में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बंदर और राजा। बहुत पुरानी बात है, एक राजा के पास पालतू बंदर रहता था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि वह बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरी मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करने करता था, बंदर उसकी सेवा करने के लिए हाजिर हो जाता था, उसके लिए हाथ पंखा चलाता था। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा जल रहा था, तभी एक मक्खी भिन भिनाते हुए राजा के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी जांघ पर जाकर बैठ जाती हैं। मूर्ख बंदर काफ़ी समय तक ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती है। मेरा नाम ऋषिकेश है, मैं फोर्थ बी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शेख चिल्ली बहुत गरीब था। वो एक नंबर का मूर्ख और कामचोर भी था। उसके घर कई कई दिनों तक खाना तक भी नहीं बनता था। ये सब देखकर एक दिन शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत बहुत गुस्सा आ गया। उसने शेख चिल्ली पर चिल्लाते हुए कहा, मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं इस हालात में नहीं रह सकती हूँ। जब तक तुम पैसे कमाकर नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। थैंक यू। प्रभात सर, मेरा नाम रियांशी चोयल है। मैं कक्षा ब की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना ही चाहती हूँ जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। सालों पहले एक जंगल में गधा, लोमड़ी और शेर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। तीनों ने एक दिन बैठकर साथ में शिकार करने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सबने मिलकर तय किया कि शिकार करने के बाद उस पर तीनों का बराबर हक होगा। ये फैसला लेने के बाद तीनों दोस्त शिकार के लिए जानवर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन तीनों को जंगल में हिरण दिखा। एकदम तीनों ने हिरण पर झपट्टा मारने की कोशिश की। उसे देखते ही वो तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थककर हिरण कुछ देर के लिए रुक गया। तभी मौका देखकर शेर ने हिरण का शिकार कर दिया। गधा, लोमड़ी और शेर तीनों काफी खुश हो गए। मरे हुए हिरण के तीन हिस्से करने के लिए शेर ने अपने दोस्त गधे को कहा, जैसा पहले तय हुआ था उसी हिसाब से गधे ने शिकार को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये देखकर शेर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से से जोर 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 से दहाड़े मारने लगा। दहाड़ते दहाड़ते शेर ने गधे पर हमला करके उसे अपने दांतों और पंजों की मदद से दो हिस्सों में बांट दिया। लोमड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। तभी शेर
ने एकदम से लोमड़ी को कहा, चलो दोस्त अब तुम इस शिकार को अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी चालाक और समझदार दोनों ही थी। उसने बड़ी ही अकलमंदी से साथ हिरण के शिकार का 3/4 हिस्सा शेर को दे दिया और खुद के लिए 1/4 हिस्सा ही बचाया। इस तरह हुए शिकार के हिस्से से शेर काफी खुश हो गया। उसने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे वाह, तुमने एकदम मेरे मन का काम किया है, तुम्हारा दिमाग। मेरा नाम मयंक पांडे है, मैं आपकी कक्षा ब का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक लालची मिठाई वाले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ। दिनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाइयाँ खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह मुनाफा भी कमा लेता था। धन्यवाद, आपको मैंने पूरी कहानी सुना दी। भागी भागी कबूतर की मदद करने के लिए गई और उसने शिकारी के पैर पर काट लिया, जिससे शिकारी के पैर पर बहुत तेज दर्द हुई और उसने जाल को नीचे फेंक दिया और अपना पैर खुजलाने लग पड़ा, और जिससे जो कबूतर था उसने मौका देकर ही वो उड़ गया। और इस कहानी से हमें सीख मिली, जो जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, और हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। साधु और चूहे तेतहाने। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। उसकी दिनचर्या रोजाना प्रभुति भक्ति करना और आने जाने वालों लोगों तो धर्म था उपदेश देना थी। नमस्कार, मेरा नाम गौतम है, मैं 4th ब कक्षा में पढ़ता हूँ। इस हफ्ते मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो कि इस प्रकार है। उस कहानी का शीर्षक है कबूतर और चींटी। गर्मियों के दिन थे, एक चींटी थी, उसको बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। अंत में उसको एक नदी दिखाई दी, वो वहाँ पर गई और उसने सोचा कि वो ऐसे सीधे पानी नहीं पी सकती थी, वरना वो नदी के अंदर गिर जाती। इसीलिए उसने पत्थर के ऊपर चढ़कर पानी पीने की कोशिश की, पर वो उस नदी के अंदर गिर गई। और ये सारी चीज़ें एक कबूतर देख रहा था। कबूतर को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने पेड़ का पत्ता तोड़कर उसके सामने गिरा दिया, जिससे वो उसके ऊपर चढ़ गई। और जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुंची, वो वहाँ उससे उस पत्ते से उछलकर किनारे पर पहुंच गई। उसने उस कबूतर का बहुत बहुत धन्यवाद किया और चली गई। कुछ दिनों बाद उसी नदी के पास एक शिकारी आया। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला है, जिससे उसने एक जाल बिछाया, जिसके अंदर उसने दाने बिछा दिए, जिससे वो जाल में फंस जाता कबूतर। कबूतर ने ना तो जाल दे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अब्दुल मुईज इस्लाम एंड आई एम फ्रॉम 4th B। आज मैं पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है
पंचतंत्र की कहानी कबूतर और चींटी। गर्मियों का मौसम था, एक चींटी को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह पानी की खोज में यहाँ वहाँ भटकने लगी। कुछ ही देर में वह एक नदी के पास पहुँच गई। वह नदी पानी से भरा था, लेकिन चींटी सीधे उस नदी में नहीं जा सकती थी। इस वजह से वह छोटे से पत्थर पर चढ़कर और वहीं से झुककर नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए नदी की तरफ झुकती, वह नदी में गिर पड़ी। जैसे उसी नदी के किनारे एक पेड़ था। एक पेड़ पर बड़ा कबूतर यह सब देख रहा था। उसे चींटी की हालत पर दया आ गई और उस कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए योजना बनाई। उस बोलने वाली गुफा। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में बैठ भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों न इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतज़ार किया जाए, और जैसे ही वो आएगा तो उसे मार कर वहीं अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठा। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के तो हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब लगाई। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज़ लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई। रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो, ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज़ लगाकर इस सियार को बुलाती हो।
लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज़ को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कहानी से सीख: मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। थैंक यू।